गुड मॉर्निंग सेवन क्लास स्टूडेंट्स. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर क्वालिटी. नाउ व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर जैसलर एज अ बूट मेकर. तो ऑथर के मिस्टर जैसलर के प्रति क्या ओपिनियन थे एज अ बूट मेकर, वो ऑथर को मिस्टर जैसलर कैसे लगे. सॉल्यूशन इज द आंसर, द ऑथर वॉज वेरी इंप्रेस्ड विथ मिस्टर जैसलर, वो बहुत ही प्रभावित थे मिस्टर जैसलर के काम से. He liked the boots made only on order and those boots perfectly fitted the customers. He liked the boots made only on order. तो he who Mr. Jessler जो order पर shoes लेते थे और उन्हें वो पसंद था और shoes जो बना के देते थे वो बहुत perfectly fit आते थे customers के. Their boots had the best materials, काफ़ी best materials use करते थे वो, अच्छा leather चमड़ा use करते थे जो कि lasted long, टिकाऊ थे, काफ़ी लंबे चलते थे. He found the work mysterious एंड वंडरफुल, उनको एक आश्चर्य था, एक बहुत ही अद्भुत ऑथर को मिस्टर जैसलर का काम लगता था. तो दीज आर हिज ओपिनियन अबाउट मिस्टर जैसलर एज अ बूट मेकर. नाउ द सेकेंड वन, वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली. इसका मतलब क्या कि ऑथर जो है सो इनफ्रिक्वेंटली, मतलब हर बार मिस्टर जैसलर की दुकान पर ही क्यों जाता था, वाई ही विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली, बार बार मिस्टर जैसलर की दुकान पर क्यों जाते थे. So the author visited the shop so infrequently because the boots made by Mr. Jessler by Jessler brothers lasted too long. Simple answer, because the boots lasted too long. मतलब जूते जो है वो बहुत टिकाऊ थे और बहुत अच्छे चलते थे, एक बार खरीदने के बाद में मतलब आप one cannot wear them down easily. मतलब कोई चाहे तो भी उन shoes को ख़राब नहीं कर सकता था, ठीक है. तो वो इतने मजबूत और इतने ड्यूरेबल शूज़ हुआ करते थे, इसीलिए वो हर बार उन्हीं की शॉप से परचेज किया करता था और हर बार वहीं जाता था. सो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर जैसलर ऑन द ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर जैसलर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क. अभी ये ऑथर जब जो दूसरी कंपनी से खरीद दूसरी शॉप से खरीदे हुए जो लार्ज फर्म से खरीदे हुए शूज़ पहन के मिस्टर जैसलर की दुकान पर चले जाता, तो मिस्टर जैसलर का ऑथर के प्रति क्या रिमार्क था, उनका किस वे में उन्होंने उसका आंसर किया कि जिस वे वो जो शूज़ उन्होंने पहने थे. मिस्टर जैसलर एट फर्स्ट फाउंड द रिमार्क अनबिलीवेबल, उनको विश्वास ही नहीं हुआ. ही आर्ग्यूड, मतलब जो रिमार्क ऑथर ने दिया था कि ये दीज शूज़ आर क्रीक्ड, कि आप ही के यहाँ से खरीदे और ये शूज़ तो आवाज़ कर रहे हैं कि ख़राब है, लेकिन ऑथर को भी पता नहीं था, वो गलती से चला जाता है वहाँ पर मिस्टर जैसलर की शॉप पर किसी दूसरी कंपनी के शूज़ पहन करके जो कि ख़राब हो जाते हैं. तो उसको लगता है कि मैं हर बार मिस्टर जैसलर के यहाँ से ख़रीदता हूँ तो ये भी मैंने वहीं से ख़रीदे हैं, तो वो मिस्टर जैसलर को जाके कंप्लेन करता है. तो पहले तो मिस्टर जैसलर क्या है कि विश्वास ही नहीं करते उस रिमार्क को, अनबिलीवेबल मतलब उनको विश्वास नहीं होता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है. तो ही आर्ग्यूड दैट द ऑथर माइट हैव गॉट देम वेट. तो मिस्टर जैसलर ऑथर को कहते हैं कि हो सकता है तुमने ये शूज़ जो है वो गीले कर दिए होंगे. तो ही वॉज शॉक्ड, ही हु मिस्टर जैसलर, मिस्टर जैसलर सुन के बहुत शॉक हो जाते हैं. तो वो ऑथर को बताते हैं दैट ही विल ईदर रिपेयर देम और एडजस्ट द मनी ऑन हिज बिल्स. तो वो ऑथर को कहते हैं ठीक है तुम मुझे दे दो, हो सकेगा तो मैं इनको रिपेयर कर दूंगा या फिर मैं तुम्हें इसके जो पैसे हैं वो वापस से दे दूंगा, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज मिस्टर जैसलर्स कंप्लेंट अबाउट बिग फर्म्स. ये फर्म्स नहीं है यहाँ पे, एफ आई है यहाँ पर, ठीक है. मिस्टर जैसलर की क्या कंप्लेंट थी, किस लिए परेशान थे वो बड़ी फर्म्स से जो, तो देखते हैं. मिस्टर जैसलर कंप्लेंट दैट द बिग फर्म्स डिडंट वैल्यू द मनी ऑफ द कस्टमर्स, दे वर कैप्चरिंग द मार्केट्स फ्रॉम एडवर्टीजमेंट्स एंड नॉट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क. ही वॉज मोस्टली आउट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ दोज फर्म्स एंड डे बाय डे द वॉल्यूम वॉज गेटिंग रिड्यूस. तो मिस्टर जैसलर का कंप्लेंट ये थी कि बड़ी फर्म्स को डिडेंट वैल्यू द मनी, वो कस्टमर्स के पैसों को वैल्यू नहीं करते थे. दे वर कैप्चरिंग द मार्केट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट्स, वो क्या करते थे कि वो दे डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स और एडवर्टीजमेंट्स के जरिए ही वो अपना जो सेलिंग कर पा रहे थे और उनके काम में इतनी क्वालिटी नहीं थी. वो सिर्फ उसको बेचने में प्रॉफिट मोटिव के लिए उनको बेचने में सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो मिस्टर जैसलर जैसे जो लोग थे और ख़ुद मिस्टर जैसलर थे उनके काम पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहा था, क्योंकि बड़ी फर्म्स जो है वो बाय हुक और क्रूक अपना सामान बेच रही थी. तो ऐसे जो आर्टिस्ट हैं मिस्टर जैसलर की जैसे, जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, वो अपने काम से काफ़ी प्यार करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इससे इफ़ेक्ट पड़ा.
तो उससे उनकी जो सेलिंग वॉल्यूम भी धीरे धीरे घटती गई, ठीक है, मोस्टली आउट ऑफ वर्क. तो ही वॉज मोस्टली आउट ऑफ वर्क का मतलब होता है कि बड़ी फर्म्स की वजह से उसके पास में, मिस्टर जेसलर के पास में इतना काम नहीं आता था, और दोज फर्म्स, ठीक है, एंड डे बाय डे द वॉल्यूम वॉज गेटिंग रिड्यूस. वॉल्यूम मतलब जो डे बाय डे जो उनके पास जो जो उनको ऑर्डर मिलता था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा. फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मेनी पेयर ऑफ बूट्स, डिड ही रियली नीड देम? ऑथर ने लास्ट में इतने ज़्यादा जोड़ी जूते क्यों ऑर्डर किए मिस्टर जेसलर को? क्या ऑथर को सच में उन जूतों की ज़रूरत थी? डिड ही रियली नीड देम? द ऑथर फेल्ट बैड फॉर मिस्टर जेसलर हु वॉज रियली टैलेंटेड एंड मेड ग्रेट बूट्स. सबसे पहली बात तो ऑथर को मिस्टर जेसलर के बारे के लिए बहुत बुरा लगा कि मिस्टर जेसलर एक तो इतने टैलेंटेड है, इतने अच्छे शूज़ बनाते हैं, उसके बावजूद भी उनकी जो है इतनी जो होनी चाहिए, जो शूज़ की जो बिक्री इतनी होनी चाहिए वो हो नहीं रही थी. इस वजह से मिस्टर जेसलर जो है उनका काम धीरे धीरे कम पड़ रहा था, उनकी जो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रही थी, ऑर्डर कम आ रहे थे, ठीक है, बल्कि इतना टैलेंटेड आदमी. इसलिए ऑथर को क्या कि जब मिस्टर जेसलर ने ये बताया कि उनके काम में उनको कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती, तो ऑथर ही रियली फेल्ट बैड फॉर मिस्टर जेसलर. सो दैट्स व्हाई उसने सोचा, ही ऑर्डर्ड सो मेनी पेयर्स टू हेल्प द बूट मेकर. तो द बूट मेकर मतलब मिस्टर जेसलर, उनकी मदद करने के लिए उसने बहुत सारी जोड़ी जूते उनसे खरीद ली. नो ही डिड नॉट रियली नीड देम, बल्कि उसको उस वक्त इतनी जोड़ी जूतों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसीलिए बिकॉज ही फेल्ट बैड फॉर हिम एंड ही वॉन्टेड टू हेल्प इन अ वे. तो ये उनका एक जेस्चर था, एक अच्छा प्यार भरा जेस्चर था ऑथर का मिस्टर जेसलर के प्रति. दैट्स वाई ही ऑर्डर्ड सो मेनी पेयर्स टू हेल्प द बूट मेकर. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.